चाहिए कि कितने क्वेश्चन का कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर वन, उसने कहा मार्बल्स, मार्बल्स, मार्बल्स को इसने डिकोड कर दिया कैसे, PDU ई अलग भी राइट फ्रॉम दैट, ओके ना, PDU ई ओ एच एंड वी, ओके ना। इसके बाद अब कह रहे जी आई एन को क्या लिखेंगे, ऑप्शन वन SEG, ऑप्शन टू BHU, ऑप्शन थ्री WGI, ऑप्शन फोर JLQ। ओके क्लास, आप तीनों के पास 30 सेकेंड है, आप तीनों में से कौन सबसे पहले बताएगा देखते हैं। दिस इज डी, 30 सेकेंड। और ये क्वेश्चन इसमें कोई भी मतलब ऐसा है जिसका हिट कर गया वो 1 सेकेंड में बता देगा, और जिसका हिट नहीं किया वो कभी कभी 1 मिनट तक लगाता रह जाएगा। बताओ क्लास क्या होना चाहिए। डी, ओके गुड, डी इज करेक्ट आंसर। अब देखो मैं बार बार कह रहा था और आपको बस मेरी बात समझनी चाहिए मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना, कि ये वाला सेक्शन जो रीजनिंग का है ना, इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चलेगा, मतलब कौन कितनी जल्दी हिट कर पाता है, और कभी कभी ऐसा होगा कि आप हिट ना कर पाओ, लेकिन जो ये अल्फाबेट वाले होते हैं ना, अल्फाबेट वाले, ये तो जनरली सही हो जाते हैं। देखो आज जनरली करना क्या होता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, चाहे तो मन में लिख लो और चाहे पेपर में लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि जब पेपर स्टार्ट होगा तो उससे पहले आपको रफ पेपर मिलेगा, चाहे तो उसमें लिख के रख लो, और चाहे आपको ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। एम से पी, पहले तो देखो सबसे पहला टारगेट क्या रहता है आपका, सबसे पहला टारगेट आप ये रखा करो कि जितने अल्फाबेट इसमें है उतनी अल्फाबेट उसमें है कि नहीं है, तो हमने देखा सेम अल्फाबेट है, तो अब इसमें ज्यादातर चांसेस ये होता है ना कि अल्फाबेट्स में ना प्लस कर रहा होता है सीक्वेंस को, जैसे हमने देखा एम से पी एक और दो और तीसरा, मतलब मैं इसे देखो कई लोग इसे प्लस थ्री लिखते हैं, मैं इसे प्लस टू लिखता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे प्लस टू का मतलब है कि एम और पी के बीच में दो जने आ रहे हैं, और कई और के प्लस थ्री का मतलब है कि एम के बाद एक दो तीन जने चलने के बाद पी आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्लस टू लिख रहे हैं प्लस थ्री, बस आपको समझ आना चाहिए आपने करा। अब ए से देखो डी, ए से एक और दो, दो जने आगे चल रहे हैं, अब यहां से हिंट मिल गया, अब यानी कि अब सारे के सारे प्लस टू ही चल रहे होंगे, दो स्टेप आगे चल रहे होंगे, मतलब तीसरा स्टेप होगा, क्योंकि अगर चेंज होना होता ना तो यहां पे चेंज हो जाता, ये प्लस टू होता और ये कुछ और हो सकता है, हो सकता था प्लस थ्री हो, वो क्वेश्चन के ऊपर डिफाइंड होगा। आर से यू एक दो, यू आ गया प्लस टू, तो दो दो चल रहा है। अब जी से चला रहो, जी के बाद क्या हो जाएगा HIJ, आई से क्या हो जाएगा, आई से हो जाएगा आपके पास JKL, और एम से हो जाएगा MNOPQ, तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी आ गया। इसमें कोई महान कलाकारी नहीं है इस तरह के रीजनिंग के क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना, लेकिन इसके मैक्सिमम क्वेश्चन करने जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसके मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे तो आपको ना सोचने का तरीका डेवलप हो जाएगा कि क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही चले, कभी कभी रिवर्स चलता है कि एम का सीक्वेंस यहां आएगा, ए का सीक्वेंस यहां आएगा, और कभी कभी ऐसे भी चलता है, अभी सारे टाइप चलाएंगे कि ये बीच में से कट जाता है और रिवर्स ऑर्डर चलने लगता है, ठीक है ना। तो अगर इसमें कोई कलाकारी नहीं है और इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है ना। ओके नाउ, अब करते हैं एक और क्वेश्चन, दैट इज आपके पास है ये, सारे क्वेश्चन ये आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, बायोलॉजी को इनने क्या लिख दिया, इसने लिख दिया वाई आर एल ओ एल टी बी, वाई
RLOLTB, ठीक है ना। अब इसके बाद वो पूछ रहा है फिजिक्स को क्या लिखेंगे, PHYSICS। चलो ऑप्शन लिख देता हूं, वैसे मैं चाहता था कि बिना ऑप्शन के करा जाए, ठीक है ना। तो बिना ऑप्शन के बताना है आपको आंसर होगा क्या, ठीक है ना। क्योंकि ऑप्शन तो लिख ही सकता हूं मैं, लेकिन वो टाइम वेस्ट करेगा आपका और मेरा, ठीक है ना। तो फटाफट देखते हैं कौन बताता है आप में से आंसर, बताओ। हाँ प्रैक्टिस करो मेरे साथ, और इस वाले सेक्शन में यही तरीका है इसको करने का कि आप क्वेश्चंस करो, जितने क्वेश्चन कर सकते हो किसी भी किताब से करो। बताओ क्लास, टाइम ओवर, कोई बता सकता है क्या हो रहा है। इतनी देर में नहीं, बोलो एस एस एन एन एन। हाँ जी वी जी वी, हाँ एच ओके एच पी ओके। अब देख लेता हूं, फिर ये गलत है आंसर। एम और कोई एम एम के, हाँ आगे के, चलो का निकाला नहीं है, बस इतना ही था एम के। एम वाला भी गलत है क्योंकि ऑप्शन में एम है ही नहीं। चलो अब मैं देखता हूं और आप बताना, पहले कविता बताया आपने क्या सोचा। देखो इस क्वेश्चन को करने का, मैं बार बार कह रहा हूं क्लास, हर तरह को समझना जरूरी है। सबसे पहले चीज को भापो की है क्या, ये वाली रीजनिंग में कोई कंसेप्ट नहीं है, मतलब आप हिट करने चाहिए। अब हो सकता है जितने क्वेश्चन करोगे आपके सोचने का तरीका। कविता आपने क्या सोचा, बी से वाई कैसे आया। मैंने दो लास्ट वाले क्रॉस हो रहे थे और गलत। ये बीच और वाले। नहीं, ऐसे आपको बिल्कुल इतना साइंटिस्ट की तरह नहीं सोचना कि दो लास्ट वाले क्रॉस हो रहे हैं। अच्छा कविता ने ऐसे सोचा, देखो मैं बार बार कह रहा हूं। अच्छा देखो मैं अभी ना एक चीज कहूंगा और वो ना कोई भी और टीचर नहीं कहेगा, मैं बताता हूं क्या। सुनना मैं क्या कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। रीजनिंग में होता क्या है ना, ये सुनना मैं क्या कह रहा हूं। एक क्वेश्चन वो होते हैं जो हमने करे भी, डाइस डायरेक्शन डिस्टेंस वो फिक्स होते हैं, वो कभी आंसर गलत नहीं आता। एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे डिकोडिंग कोडिंग, इसमें कभी कभी क्या हो जाता है, दो तरीके से आंसर आने लगता है। एक तरीका वो जो आप सोच रहे हो और एक तरीका वो जिसने क्वेश्चन बनाया है। और याद रखना इस केस में कोई श्योर नहीं होता कि आपका आंसर सही होगा गलत। अब जो कविता सोच रही है, देखते हैं कविता ने क्या सोचा। कविता ने क्या कहा कि लास्ट के दो रिवर्स हो गए। लास्ट, हाँ लास्ट के दो। हाँ कहाँ रिवर्स हुए, तो आई है और टी है। जो चलो बी कविता का वाला है गलत, जिससे वो लास्ट, अच्छा ये दो रिवर्स हो गए, चलो गुड। फिर ये एल एल 12 पे होता है, आर 18 पे होता है, इधर आई एल 12 पे, आर 18 पे, फिर नहीं। आप बहुत इरेंडम चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि आप ऐसे कुछ बनाते जाओ। देखती आप बताइए आपने क्या सोचा, आप शेयर करोगे मेरे साथ तो आपको सोचने में आसानी होगी कि हाँ ये वाला तरीका हो सकता था। बताइए आपने क्या सोचा। फिर मैंने ये सोचा कि ये बी और बायोलॉजी और वाई है, ठीक है, तो बी और वाई कितने नंबर पे है, मतलब वाई से हम चलेंगे बाद में रिवर्स में, तो तीसरे पर आ रहा है बी, वाई हाँ पर तीसरे पे आ रहा जाएगा है फिर। तो ठीक है। और ऐसे ही जब हम मैं पी का निकालूंगी तो फिर पी ऐसे एम के बाद मैं चली तो एम से तीसरे पे आ रहा है पी, तो ओके उससे ये सोच रहे हो, अब मेरा सोच,
अब मैं जो कह रहा हूँ वो सोचो, आप सोचना कैसे करना है। देखो समझना, मैंने आपको कहा कि देखो मैं आपको जो कह रहा हूँ ना, मैं उसी तरीके से करा रहा हूँ जिस तरीके से मैंने करी चीजें, और मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में बिलीव नहीं करता, और सारे क्वेश्चन हमेशा सही होते हैं। जो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोचेगा उसका उतना गलत होता चला जाएगा। देखो ऊपर वाला तो चल रहा है फॉरवर्ड पैटर्न में, और नीचे वाला चल रहा है रिवर्स पैटर्न में। कैसे? यहां से स्टार्ट करोगे तो बी कौन से नंबर पे आएगा? दूसरे नंबर पे। और अगर पीछे से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो वाई कौन से नंबर पे आएगा? दूसरे नंबर पे। और आई कौन से नंबर पे आएगा? देखो 5 और 4 9 नौवे नंबर पे। और पीछे से स्टार्ट करोगे तो आर कौन से नंबर पे आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेक करो। ओ कौन से नंबर पे आ रहा है? 15वें नंबर पे। और एल कौन से नंबर पे आ रहा है? नीचे से 1 5 6 6 और 5 11 12 13 14 15। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं क्लास? क्लास मैंने क्या कहा समझे? तो ये सेम ऑर्डर चल रहा है, जिस नंबर पे पहला अल्फाबेट है उसी नंबर का दूसरा अल्फाबेट है, बस ऊपर वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है, नीचे वाला रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। तो अगर फिजिक्स का बनाना चाहो तो कितना आसान है। देखो पी कौन से नंबर पे है? 15 और 1 16। नीचे से 16 कैसे होगा? 6 तो यही होता है, 6 और 10 16। तो स्टार्ट किससे होगा? के से। 1 6 5 11 12 13 14 15 16। अब एच, एच कौन से नंबर पे है? 5 और 3 8। नीचे से 8 6 7 8 एस। Y कौन से नंबर पे है? दूसरे पे। और वहां पे Y कौन से नंबर पे है? B पे। ठीक है ना। अब एक और चीज देख लिया करो, अगर आपको थोड़ा सा और फोकस करना है, चीजें बहुत सारी है और सारी चीजें एक साथ कोई नहीं बता सकता और ना ही आप समझ सकते। देखो यहां भी B के बदले Y आया और यहां भी B के बदले Y आया, मतलब पैटर्न कुछ भी चल रहा हो, अगर इसमें Y आएगा तो उसके बदले B ही आएगा। तो अगर मैं इसके ऑप्शन लिखता ना, अगले क्वेश्चन से मैं ऑप्शन लिखूंगा, एक ही ऑप्शन था जिसमें तीसरे नंबर पे बी था, तो यानी कि वही आंसर होना चाहिए था। अब आते हैं एस, एस देखो 15 यहां हो गए, 16 17 18 19, नीचे से 19, 6 6 और 10 16 17 18 19। एच, आई, आई कौन से नंबर पे होता है? किस पे होता है? 8। अभी दिमाग लगाओ, ऊपर भी आई था नीचे भी आई, तो आई के लिए क्या आ जाएगा? 8। इसके बाद सी, ऊपर सी था नहीं, तो यहां देखो सी तीसरे पे 1 2 3 एक्स। इसके बाद एस, एस कौन से नंबर पे है? एस, एस के लिए आप लिख चुके हो, पहले लिख चुके हो, एस के लिए आप क्या लिख चुके? एच। तो इसके लिए भी क्या लिखोगे? एच। दिस इज योर आंसर। अब देखो मैंने पहले ही कहा क्लास, मैंने कहा जो चीज मैं कह रहा हूं वो कोई नहीं कहेगा, क्योंकि ये उसके तो बच्चों पे फर्क पड़ेगा, मतलब उससे बच्चे ट्यूशन छोड़ देंगे या कोचिंग छोड़ देंगे, कि रीजनिंग में दो सेक्शन डिवाइड हो चुके हैं और पहले से ही है। एक वो जिसमें श्योर आंसर होता है, डेफिनेट आंसर होता है कि यही होगा, जो हम टॉपिक अभी 2-3 कर चुके हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग में, और अभी एक और आएगा जिसे सिलोलिज्म भी कहते हैं। सिलोलिज्म में अगर मैं 5 क्वेश्चन दूं ना बैंकिंग के, उसमें से 4 ही सही होंगे, 5वां कभी सही नहीं होगा बैंकिंग के पेपर का, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो हम अपने तरीके से सोच रहे होते हैं और वो गलत होता है, पर हमें किताब वाले के तरीके से सोचना होता है और वो सही होता है। और वो सोचने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आपको ज्यादा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब मुझे सोच के बस यही बताना, आप सब जिन्होंने आंसर बताया था अभी, कि आपने जिस तरीके से आंसर सोचा और मैंने जिस तरीके से सोचा, दोनों में से ज्यादा सिमेट्रिकल यानी कि ज्यादा स्मूथ या ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है, कि आप वाला हो सकता है या हमारा वाला? आपके वाला। देखो ठीक है ना, सच्चाई यही है कि हम कई जगह गलत हो जाएंगे। मैं भी जब सीख रहा था तो मैं भी बहुत जगह गलत होता था, लेकिन मैंने इसके कम से कम मैंने इसके 2500 से 3000 क्वेश्चन करे थे कोडिंग डिकोडिंग के, ये एबीसीडी वाले, तब मैंने सारी पॉसिबिलिटी समझ लिया था कि ये क्या क्या कर सकता है। ठीक है ना, आंसर लिखते रहना सबके, क्योंकि आपको ये रिवीजन करना है दोबारा। ठीक है ना, और हर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है मुझसे, और फिर अब हम ऑप्शन भी लिखेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपने जो सोचा वो सही क्यों नहीं है और जो हमने सोचा वो सही क्यों है, या आपका सही है तो बहुत अच्छी बात है। देखो होगा क्या, अगर आपका पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको पता होना चाहिए, आपको रफ शीट पहले मिल जाती है अगर आपने कोई पेपर दे रखा हो। ठीक है ना, तो रफ शीट में आप एबीसीडी एफ जी एच आई जे के ये पैटर्न लिख लेना, रफ शीट में ये वाला पैटर्न पहले लिख लेना, इसे लिखने को नकल नहीं कहते और ना ही कोई रोकेगा, बैक साइड पे लिख लेना।
फिर जब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करोगे तो आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, और अगर लिखोगे भी तो आपके हार्डली 10 सेकंड वेस्ट होंगे या 15 सेकंड वेस्ट होंगे, ठीक है ना। ओके ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कई लोग कहते हैं इसके नंबर याद कर लो, मैं कह रहा हूं कर सकते हो तो कर लो, बहुत अच्छी बात है ना। तो मैंने कभी नंबर याद करे इसके नंबर का मतलब कि कौन सा अल्फाबेट कौन से सीक्वेंस पे आ रहा है, और ना ही मैं आपको सजेस्ट करता हूं याद कर लो। इसका एक ही रीजन है, क्लास प्रैक्टिकल रीजन। आपके पेपर में अगर 100 के 100 क्वेश्चन इसी के आ रहे होते ना, तो हम इसमें मान बनते, इसके सारे अल्फाबेट के नंबर याद करते। हमारा एक क्वेश्चन आना है हार्डली, ठीक है ना, उसके लिए इतना ताम धाम करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। REMOT रिमोट को लिख दिया KYSPGS, ठीक है ना, GS PGS। ओके ना, इसमें BRAND ब्रांड को लिख दिया IRDTC, MOBILE को क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, FMJCPN ऑप्शन नंबर 2, KQMEQN ऑप्शन नंबर 3, DKHANL ऑप्शन नंबर 4, DMHCNN। ओके, ओके क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, ओके बताओ, हु विल टेल फर्स्ट, लेट्स सी, दिस इज आई। चीजों को सीखो, ठीक है ना, सीखोगे तो मजा आएगा और करने में भारी नहीं लगेगा। मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूं आंसर। Who will tell answer? Let's see. क्लास बताइए कौन बताएगा, टाइम वैसे हो चुका है, 1 मिनट से ज्यादा समय देना क्वेश्चन का वजह नहीं है। नहीं सोच पा रहे तो मैं बताऊं क्लास, सर TIE ऐसा कुछ, नहीं 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 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इन्हीं में से एक होगा, और कोई थोड़ा हो पाएगा। अच्छा ऑप्शन देखेंगे, हर क्वेश्चन ना आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है अगर आप उस क्वेश्चन को फील करो तो, ठीक है ना। अभी बताएंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं करूं, शुड आई डू और नॉट, ऑप्शन नंबर बी।
गलत। और अच्छा बी का है इन्होंने, हाँ बी लेट मी चेक आई थिंक एन क्यू हो गया, गुड बी इज करेक्ट। अब बाकी देखो, देखो पहले एक चीज देखो, आंसर तो कराएंगे, वो एक चीज देखो, यहां आर के बदले इसमें के लिखा है और यहां आर के बदले आर लिखा है, यानी कि ये सेम पैटर्न नहीं चल रहा। सेम पैटर्न का मतलब समझते हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में कराया था वैसा नहीं है, मतलब ये इसके लिए अलग लॉजिक लगा रहा है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, हर अल्फाबेट के लिए अलग लॉजिक लगा रहा है। तो आर ई एम ओ टी रिमोट लिखा, के वाई एस टी जी एस ये लिखा। अब मैंने क्या देखा, आर के साथ के, मेरे को तो आंसर पता है कि ये है, लेकिन मैं आपको सारी पॉसिबल, आर के साथ के आपने देखा, आर कौन से नंबर पे 15 और 3 18, और के कौन से नंबर पे 11, नीचे से कौन से नंबर पे 6 10 16 17 18 19 20 21, कोई चक्कर समझ नहीं आ रहा। लेकिन आपने देखा कि अगर आप ऐसे देखो, अगर इसे उल्टा कर दो, फॉर एग्जांपल एस जी पी एस जी पी एस वाई के, अगर आप ऐसा कर देते हो तो एस जी पी वाई के, एक मिनट लेट मी चेक, आर एस, एक मिनट, आर के साथ एस कितना अंतर है, प्लस वन, मतलब आर के बाद एस जस्ट नेक्स्ट, तो प्लस वन मान लिया कि एक गिर गया। ई के बाद जी, ई के बाद जी कितना अंतर है, प्लस टू। कैसे है प्लस टू, क्लास समझो, ई के बाद पहले एफ आ रहा है फिर जी आ रहा है, प्लस टू, ठीक है ना। मैं इसे मिटा देता हूं, थोड़ा लिखने में आसानी रहेगी, उल्टा कर रखा है याद रखना, ये हो गया प्लस टू। एम के बाद पी चेक करो, एम के बाद पी, एक दो तीन, तीसरा प्लस थ्री। ओ के बाद एस, एक दो तीन चार, प्लस फोर। टी के बाद वाई, टी ये रहा, एक दो तीन चार, अब तो मुझे लॉजिक समझ ही आ गया, सॉरी टी के बाद वाई, एक दो तीन चार पांच, और ये होना चाहिए छह, चेक कर लो, एक दो तीन चार पांच छह। तो हमें समझ आ गया कि ये वाले को उल्टा कर दो, या फिर ऐसे भी देख सकते हो, देखने वाले हैं उल्टा चलोगे, मतलब कई लोग ऐसे भी करा रहे हैं कि आर के लिए एस उल्टा कर दिया, ये याद रखना, इसको रिवर्स करके इंक्रीमेंट करना है एक एक का। अगले में चेक कर लेता हूं, पता चल जाएगा। बी आर ए एन डी ब्रांड, इसे उल्टा कर दिया, सी टी डी आर आई, चेक करा, ये कितने का अंतर है, प्लस वन का, बी के बाद जस्ट सी आता है, आर के बाद टी दो का अंतर है, ए के बाद डी तीन का अंतर, आप देखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं मोबाइल की, डायरेक्ट आंसर हिट करेंगे और हमें पता जो आंसर होगा उल्टा लिखा जाएगा, तो हम यहां पे उल्टा लिखता हुआ चलेंगे। देखो यहां पे थोड़ी सी आपको वो करनी है, हम यहां पे इधर से लिखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलो एन, एन के बाद क्या आना चाहिए था, एन के जस्ट बाद आता है एन, एन यहां ना लिख के यहां लिखा जाएगा, क्योंकि हमें पता है उल्टा चल रहा है वो, ठीक है ना। ओ, ओ के बाद अब एक गैप करेंगे, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, फिर उसके बाद बी, एक गैप हो गया, अब दो गैप, सी डी ई आई, आई के बाद ई तक कितने गैप हो गए, दो गैप है ना, आई के बाद कितना देगा, तीन गैप, जे के एल, हाँ सही है, एम, देखो आपको ये मैच कर गया, ये मैच करती है आपका, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लास बाकियों को समझ आया मैंने क्या करा, ये क्लास क्लास समझ आया आप लोगों को, ये क्या हो रहा है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, यही एक्चुअल क्वेश्चंस है, सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस क्लास के बाद, लेकिन आप जितना पार्टिसिपेट करोगे क्वेश्चन में उतना आप ज्यादा इन्वॉल्वमेंट सीख पाओगे। ओके, तो इसमें जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप जल्दी जल्दी आंसर दे पाओगे, फिर आप चीजें सीख जाओगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने कहा इन अ सर्टेन लैंग्वेज पीई एन पेन टी ए एन टेन इज रिटन एज जीरो, नाउ डी ई एन और सी ओ बी
इसको क्या लिखेंगे? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन 4 7। ओके, हु विल टेल फर्स्ट आंसर? लेट मी ओके, कौन लिखेगा पहले आंसर देखते हैं, बताइए, पार्टिसिपेट करो क्लास को, यही सब आना है पेपर में। बोलो बी। ओके, बी बी एक बच्चे ने बोला, हाँ बी फॉर बॉम्बे, एक बच्चे ने बोला बी फॉर बॉम्बे। और कोई आंसर? क्लास और कोई आंसर? मेरा तो कुछ है। चलो आंसर बी ही है, चेक करते हैं कैसे। तो देखो, अब देखो आपको ना, देखो आंसर तो कोई भी बता देगा, और किताब में तो लिखे ही होते हैं, आप चाहो तो किताब से सीख लेते, लेकिन आपको सोचने की मेथड डेवलप करना है। देखो समझना मैं क्या कह रहा हूं, आपको अभी तक ये पता चला कि इसके बदले कुछ लिखते हैं, चाहे नंबर लिखे चाहे अल्फाबेट लिखे, अब इन सब के बदले एक डिजिट लिखी है, यानी कि अब इन सबके साथ कुछ ना कुछ कर रहे हैं और जीरो आ रहा है। और आप सोच के बताओ, जीरो जोड़ के तो आता ही नहीं है और जीरो घटा करके आता है, यानी कि ये माइनस है मैथमेटिकल वाला। अब आपने बस यही सोचना है, और मैंने आपको सिखाया था अगर ये वाले नंबर और ये वाले नंबर बराबर हो तभी उन्हें सब्ट्रैक्ट करके जीरो आता है। तो अब चेक कर लेते क्या है, पी कौन से नंबर पे, हमने देखा पी है 16वें नंबर पे, ई कौन से नंबर पे 5वें पे, एन कौन से नंबर पे 10 14वें पे, टी कौन से नंबर पे 20वें पे, ए कौन से नंबर पे पहले पे, एन कौन से नंबर पे 14वें पे। आप जोड़ के देखो 16 5 21, 21 4 25 और ये 35, यहां जोड़ के देखो ये भी हो गया 35, और 35 में से 35 गया कितना आ गया जीरो, यानी कि आपको तरीका समझ आ गया कि ये इनके पोजीशन की वैल्यू को रख के ऐड कर रहा है और इसके साथ क्या कर रहा है सब्ट्रैक्ट। अगर ये बहुत बड़ी वैल्यू होती, मतलब 2 डिजिट या 3 डिजिट में होती, तो मैं समझ जाता कि ये माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है, ठीक है ना। ओके, अब देख लो डी कौन से नंबर पे है 4थे पे, ई कौन से नंबर पे है 5वें पे, एन कौन से नंबर पे 14वें पे, सी कौन से 3रे पे, ओ कौन से 15वें पे, बी कौन से पे 2रे पे। तो कितना जाएगा 14 4 18 18 5 23, 15 3, एक मिनट, 4 5 9 9 4, ओहो 4 4 18 5 23, ये क्या हो गया, अच्छा सही तो है। ओके, मैं सोच रहा इसको भी जीरो लाना, 15 3 18 18 2 19, 18 2 20, सॉरी, तो कितना आ गया 3। मैं मैथमेटिक्स सोच के एलएचएस आरएचएस बराबर करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, क्लास किसी को डाउट है इसमें? बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया क्या कहा आपने? नो सर। ओके, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे, हर किसी का आंसर लिखता है जरूर, क्योंकि किताबों में तो सब लिखा हुआ है, उसे आपको इंप्लीमेंट करना है कि कैसे आपको पता चलेगा। देखो होता क्या, हमारे आसपास जब हम भी बैठते थे ना क्लास में, कई बच्चे तो इसका आंसर हमेशा सही और सबसे जल्दी बताते थे, और कभी कभी हम नहीं बता पाते थे, तो हम यही सोचते थे कि ऐसा क्या डिफरेंस है उसमें और हमने, कि हम आंसर नहीं बता पा रहे या गलत बता पा रहे। तो बस एक ही डिफरेंस होता था कि वो बच्चे ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करे होते थे जिससे उसको क्वेश्चन देखते ही आइडिया समझ आ जाता था कि आइडिया है क्या इसके पीछे, ठीक है ना। तो आपको भी आइडिया समझ आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। ओके ना, एक और देखते हैं। उसने कहा कि क्वेश्चन नंबर 5, यू एम सी ओ वी ई आर अनकवर एफ एम एक्स एल ई वी आई, ठीक है ना, टी आई पी पूछ रहा है किसके बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 1 एल टी वी, ऑप्शन नंबर 2 एन क्यू वी, ऑप्शन नंबर 3 के एच क्यू, ऑप्शन नंबर 4
जी आर के, हाँ बताओ क्लास कौन बताएगा, हु विल टेल फर्स्ट? हु विल टेल फर्स्ट? सर फोर्थ जी वाला। गुड, जी वाला, ठीक है ना। देखो आपको यही बस अपने आप से कंपटीशन रखना है, चाहे 3 बच्चे हो, 300 या 3000 हो, आपको सोचना मैं सबसे पहले बताने की कोशिश करूं और सही। तो देख लो जिसको नहीं समझ आया, देखो मैं अपनी तरफ से कुछ चीजें ऐड कर देता हूं। अगर अकेला अकेला दे रखा हो, अकेला अकेला मतलब जैसे अभी अभी इससे पहले वाले में 2 दिए हुए थे, है ना, कि इसका ये है, इसका ये है, इसका बताओ। लेकिन जब एक दे रखा हो और एक पूछ रखा हो तो थोड़ा आसान होता है, सोचना होता है बस। तो हमने क्या देखा, यू कौन से नंबर पे देखा। देखो जब भी एक तरफ स्टार्टिंग और एक तरफ लेफ्ट हो तो कंसेप्ट ज्यादातर यही लाई करता है कि एक को शुरू से देखना है, एक को पीछे से देखना है। यू को पीछे से देखोगे तो छठे नंबर पे आ रहा है, एफ को आगे से देखोगे तो छठे नंबर पे। इसने मुझे उम्मीद दी कुछ कि ऐसा भी हो सकता है कि ये रिवर्स पैटर्न में और ये फॉरवर्ड पैटर्न में सेम पोजीशन कैरी कर रहा हो। एक और देख लिया मैंने, एन कौन से नंबर पे है, देखो 6, 5, 11, 12, 13 और वहां से एन कौन से नंबर पे है, 10, 11, 12, 13। ये 13 आते ही ना मेरा कॉन्फिडेंस राइज कर गया और डेफिनेटली यही होगा। इसको भी चेक कर लेता हूं, आपको सारे करने, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ऐसा करना। आर, आर कौन से नंबर पे पीछे से, 6, 7, 8, 9। आई कौन से नंबर पे, 9। लो, यानी कि सारे सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। मतलब ये पीछे से और ये आगे से, आगे से ये पीछे, देखो ये पीछे से ये आगे से, याद रखना। तो टी पीछे से कौन से नंबर पे है, 6, 7, तो आगे से 7वें नंबर पे जी। पीछे से आई कौन से नंबर पे है, देखो 6, 6 और 2, 16, 17, 18। आगे से 18 नंबर पे 15, 16, 17, 18। चाहे आप कर लो, पी, पी कौन से नंबर पे, 6, 6 और 10, 16, सॉरी 6 और 5, 11। आगे से 11 नंबर पे कौन है, 10 और 1, 11, जी आर के। बाकी को समझ आया क्या हुआ? यस। ओके गुड, चलो और देखते हैं। इन तरह के क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो इसलिए कर पा रहे हो या